नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ काजल। भारत समाचार के स्पेशल प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हमारे साथ स्टूडियो में हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी, जो आपको बताएंगे कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे ग्रहों की चाल आपके साथ हो जाए। और गुरु जी से जानिए कैसे आप अपनी जिंदगी में अपने सपनों को कर सकते हैं साकार। तो चलते हैं गुरु जी के पास और जानते हैं आज का उपाय। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। रामो राजमणि सदा विजयते, रामे रमेशम भजे, रामेण भेता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः। रामा नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्यहं, रामे चितलये सदा भवतु मे भो रामा मुदा। इस प्रकार से हमेशा विजय प्राप्त करना, और यही नहीं, देवता और भगवान स्वयं भी जिस देवी की आराधना करते हैं वो आराधना है माता अपराजिता देवी की, यानी जिनकी आराधना से सिद्धियां सब मिलती ही हैं। भगवान श्री राम ने भी माता अपराजिता की पूजन करके विजय का आशीर्वाद मांगा। माता अपराजिता वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी दुर्गा अपराजिता के नाम से इस मूर्ति के रूप में कपूर, जटामांसी इत्यादि का अगर आप सम्मिश्रण करके आप पूजन करते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होता है। ओम सर्व विजयेश्वरी विद्महे शक्ति, यानी जितनी भी विजय हैं, जितने भी प्रकार की विजय हैं, सब हमको प्राप्त हों। और देवी हमेशा अजय संपन्न इत्यादि बनाती हैं। अपराजिता देवी माता दुर्गा का ही रूप है और सकल सिद्धियों की प्रदात्री है। भगवान श्री राम ने अपराजिता देवी की पूजन उपासना करके ही रावण को उसका संहार किया था। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही विशेष हो जाता है आज का ये दिन। तो सब लोग माता अपराजिता की पूजन करके हर क्षेत्र में विजय का आज आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो है विशेष पर्वों की, और बात अगर होती है विशेष तथ्यों की तो हम हर रोज आपके लिए कोई विशेष जानकारी लेके आते रहेंगे। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज के 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है आज का खास उपाय। मेष राशि वालों, आज किसी आपके पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होना संभव है। आप कहीं साथ में, कहीं आप लोग मूवमेंट साथ में कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। पिता के सहयोग से कोई ज़रूरी काम आपका पूरा हो जाएगा। आज आप कार्यस्थल पे खूब मेहनत करेंगे, आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइंस के स्टूडेंट के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो पुराने दोस्तों से मुलाकात, दिन सौहार्द, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत जरूरी है। शुभ रंग लाल, शुभ अंक आज आपके लिए है 9 का। मेष राशि वालों के बाद बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, निवेश योजनाएं आपकी जो है आकर्षित कर रही हैं, गहराई से पड़ताल कर लीजिए। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर आप ले लें। अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार ना करें, बात चुप सकती। किसी को प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से जीवन भर के साथ का भी वादा कर सकते हैं। निजी संपर्कों के माध्यम से कई व्यक्तिगत रूप से आपकी उलझने दूर हो सकती। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। मंदी के बावजूद व्यापार आपका, अगर व्यापार है तो कुछ जरूर होगा। क्या करेंगे आपके लिए आज, गणेश जी की आराधना सर्वोत्कृष्ट है। हम समय समय पर बताते रहते हैं कैसे आराधना करते हैं। शुभ रंग सफेद और शुभ अंक वृषभ राशि के लिए 6 का। तो ये हो गई दूसरी राशि। तीसरी राशि यानी मिथुन, आज आप पूरे दिन नई ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे। इस राशि के जो टीचर्स, अध्यापक लोग हैं, उनके लिए कुछ खास रहने वाला समय। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन इत्यादि घूमने का या किसी पर्वत स्थान पर घूमने का प्लान बन सकता है। बिजनेस में सब कुछ अच्छा बना रहता हुआ दिख रहा है आपको। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद ज़रूर करने का मौका मिलेगा। हालांकि आज आप पूरे दिन ऊर्जा में रहेंगे, लेकिन माँ दुर्गा से आप आराधना करें, ऊर्जा और मांगें। 9 का अंक हरा रंग आज आपके लिए बहुत ही उत्तमता का परिचायक दिख रहा है। तो आज बात करते हैं अब कर्क की।
चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं से आप फंसने के चक्कर में चंगुल में आ सकते हैं। निवेश करने से थोड़ी सी सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। वकील के पास जाके कानूनी सलाह यदि आप लेते हैं तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप प्रतिभा द्वारा आप स्वयं परिस्थितियों का हल निकाल लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्वयं का विकास करना भी आज आपके एजेंडे में होना चाहिए। आर्थिक मामलों में बजट का भी आपको खास ख्याल रखना चाहिए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातें उसमें आने से आपको बचना चाहिए। इच्छा अनुकूल परिणाम आपको मिल जाएंगे। बस जरूरत ये रहेगी स्वविवेक से, यानी अपने विवेक से ही आप काम करें, आप निवेश करें, सूर्यदेव को आप जल देते रहें, ये आपके लिए बहुत ही उत्तम कार्य होगा। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 4 का। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने का आपको मौका मिल रहा है। इस राशि बुक सेलर्स के लिए भी लाभ दिलाने वाला समय है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों की समाज में और अच्छी छवि बनती हुई दिख रही है। पैसे से जुड़े कुछ कार्य आपके आज रुक सकते हैं। जो जॉब की तलाश में आज उनकी अच्छी नौकरी लगती हुई देखी जाए। बिजनेस में आपकी तरक्की सुनिश्चित है। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए और तमाम सारी तकलीफों को दूर करिए। भगवान विष्णु की आज आपको आराधना जरूर करनी चाहिए। नारंगी रंग शुभ है और शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। जरूर ध्यान रखिएगा आप सब लोग, भगवान विष्णु की आराधना, नारंगी रंग और शुभ अंक आपके लिए 1। बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आज कोई नई जानकारी आपको मिल सकती है। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य आपका पूरा हो सकता है। परिश्रम और मेहनत की आपको अधिकता दिख रही है। बच्चों के साथ उनके कार्यों में योगदान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी विशेष मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले परिवारजनों की सलाह अवश्य ले लीजिए। और हाँ, कोई नई जानकारी जरूर मिल सकती है आपको, उसका जरा फायदा होगा। शनिदेव की आराधना करना आज आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आसमानी रंग और 2 का अंक आज आपके लिए शुभ है। तो ये तो बात हुई कन्या राशि की। बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आज अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होने की संभावना दिख रही है। परिवार में बेहतर तालमेल बनाकर रखने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह आप पड़ताल कर लें। मीडिया तथा संपर्क स्रोतों का इस्तेमाल अधिक से अधिक। आर्थिक परेशानी अभी लेकिन जाती हुई नहीं दिख रही है। क्या कर लेंगे, भगवान शिव का जलाभिषेक नियम पूर्वक करेंगे तो आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। 7 का अंक अच्छा है आपके लिए। नफरत को दूर करने के लिए संवेदना का स्वभाव वृश्चिक राशि वालों आपको अपनाना है। नफरत की आज बहुत ताकत होती है। इसके शरीर के ऊपर और मन के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। रोमांचक हालत में पाएंगे अपने आप को। आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। ग्लानि पछतावे के वक्त में बर्बाद ना करें अपना आप। जोखिमपूर्ण कार्यों में रुचि न लें, नुकसान हो सकता है। बिजनेस संबंधी कामों में अनजान इंसानों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। तो नफरत से दूर रहें वृश्चिक राशि वालों। गंगा जल से माता रानी को यानी दुर्गा मैया को उनकी भी ग्रह को स्नान करें। पीला रंग शुभ है, शुभ अंक आज आपके लिए है 1 का। तो वृश्चिक राशि वालों, मंगल की राशि है तो मंगल ही मंगल होगा अगर ये सब बातें आप मानेंगे। धनु राशि वालों की बात करेंगे, आज परिवार वालों के साथ खुशी के पल बिताएंगे। ग्रेजुएट अगर कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए शानदार दिन रहने वाला। दोस्तों शिक्षकों का आपको मिलेगा पूरा सपोर्ट। मन कुछ उदास और व्यथित रह सकता है, ये जरूर है। आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है। रुपए पैसे के लेन देन संबंधी कोई भी आज कार्रवाई ना करें, स्थगित रखें। बजरंग बाण का 1 पाठ आपके लिए अच्छा है। पिंक कलर और शुभ अंक आज आपके लिए है 6 का। छोटी छोटी बातें आराधना से उपासना से बहुत लाभ होता है। मनमौजी स्वभाव जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, नुकसान हो सकता है। जिद्दी बर्ताव ना करें, इसके चलते दूसरे आहत महसूस होकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मौज मस्ती और मनपसंद का काम करने का लेकिन दिन बन रहा है। व्यापार भी आपका सही चलेगा। कुछ चीज़ों के ऊपर लगाम लगाएं। कोई दूर का रिश्तेदार आज आपसे संपर्क करके मदद भी मांग सकता है। भगवान गणेश की आराधना आप करते रहें। गजानन आपको ज़रूर विघ्न नाश आपका करेंगे। शुभ अंक 8, शुभ रंग आज आपके लिए है ग्रे का। बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र में आपको पुरानी पहचान का फायदा मिल जाएगा। आपके अपने संपर्की आपको काफ़ी लाभ देंगे। संपत्ति का विवाद हल होगा लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। निर्णय जल्दबाजी से ना लें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर
ठेस आंच इत्यादि आ सकती। कार्य क्षेत्र में मेहनत के अनुकूल परिणाम अभी आपको हासिल आज के दिन नहीं होंगे, परंतु इस बात पर सहज बने रहना ही उचित है कि हमको जो लाभ हो रहा है वो ठीक है। पुरानी पहचान जरूर लाभ दिलाएगी। भगवान कृष्ण की आराधना करते रहें, विशेष रूप से जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है। नीला रंग शुभ है, शुभ अंक आजाद के लिए है 3 का। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि के बाद अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वालों की अगर हम बात करें तो आज का दिन मीन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तमता का परिचायक है। और उससे पहले ये भी जरूरी है कि जीवन साथी की सेहत को ठीक तरह से ध्यान दिया जाए और इसके साथ देखभाल की भी ज़रूरत की जाए। गैर जरूरी नुकसान से बचने के लिए उचित सलाह लेने में आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप कुछ खास किए बिना आप आसानी से आज कुछ कर सकते हैं। बड़ा स्वास्थ्य पहले से भी आपका बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तरक्की का ये समय आपका दिख रहा है। क्या करेंगे, भगवान शिव का जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। और शुभ अंक छः के साथ साथ शुभ रंग अगर आप लोग नोट करें तो लाइट ग्रीन मीन राशि के लिए है। तो दर्शकों, मेष से मीन, मीन से मेष पर्यंत सारी राशियां गागर में सागर। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए कि आज का पंचांग क्या कह रहा है और दिन में कौन सा समय रहेगा शुभ और किस समय रहेगा राहु काल। दिनांक 9 मई 2022, अष्टमी तिथि का मान आश्लेषा नक्षत्र सोमवार, वैशाख मास शुक्ल पक्ष। शुभ समय 10:59 से 11:50 और राहु काल 7:32 से 9:13 तक सिद्ध है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या करें खास जिससे आपको आगे बढ़ने में आप मदद करेगा। गुरु जी को आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524, ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप उनको टेक्स्ट मैसेज करके अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरु जी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही, कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार।